9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवास जिला जेल के एक के बाद एक लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही जेल में संतरी और सिपाहियों के सोते हुए वीडियो वायरल हुए थे। इस पूरे मामले में ले जेलर अनिल दुबे का कहना था कि वह आरोपी दिनांक 4 को ही जेल आया था और उसे पता नहीं था कि कौन सा वार्ड किधर है, इसलिए वह महिला वार्ड में घुस गया और वह मानसिक रूप से असामान्य है। हमने डॉक्टरों को बुलाकर उसका चेकअप भी कराया है। डॉक्टर ने मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाने के निर्देश दिए हैं। आज सुबह एक पुरुष कैदी एक महिला वार्ड में घुस गया था, क्या पूरा मामला था ये? आज सुबह एक हवाला की बंदी देरक की सेक्शन वार्ड को क्रॉस करके महिला वार्ड के साथ चला गया था। हाँ, क्या नाम था सर उसका? उसका नाम है दिवेश पिता सीताराम। कौन सी धाराओं में अंदर है सर ये? धारा 376 में। क्या मानते हैं सर, सुरक्षा में लापरवाही है? नहीं नहीं, सुरक्षा में लापरवाही जैसा कुछ भी नहीं है। उस बंदे का थोड़ा सा व्यवहार असामान्य था और अपनी माँ को वाह याद कर रहा था कि दो दिन पहले ही 4 तारीख को आया है वो लिंकन का। मुझे नहीं लगता कि उसे ये जानकारी भी होगी कि उधर कोई महिला वार्ड है या क्या है, उसे इसकी कोई जानकारी नहीं। उसका हमने चिकित्सक को दिखा के उसका चेकअप भी कराया, उन्होंने भी उसको सलाह दी है कि साइकेटिक को दिखाया। पूर्व में भी सर जेल की अनियमितताएं सामने आई है। कुछ दिन पहले एक यहाँ पे क्या संतरी का सोते हुए वीडियो वायरल हुआ था। हाँ नहीं, उसके बारे में जो कार्रवाई होती है वो बराबर उनके खिलाफ कार्रवाई की। सर क्या मानते हैं 376 का मुजरिम है और महिला वार्ड की तरफ गया ये, बड़े चूक मानी जाए इसको जेल प्रशासन? चूक का जैसा कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि दोनों तरफ कर्मचारी मौजूद थे, उनके सामने घटना हुई, उन्होंने तत्काल सफल के उसको लगा चाहिए। ठीक है सर, आपका नाम? अनिल दुबे। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।